अलवर जिले के भिवाड़ी में फूलबाग थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े 6 हथियारबंद बदमाशों ने एक्सिस बैंक में गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश करीब 90 लाख रुपए नकद और 25 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस 24 घंटे बाद तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पाई। दिन दहाड़े भिवाड़ी में एक्सिस बैंक में हुई लूट की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया। घटना सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है, जब रिको चौक के पास स्थित एक्सिस बैंक में 3 बाइकों पर सवार होकर आए 6 हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश करीब 17 मिनट तक बैंक में रहे। इस दौरान बैंक के कर्मचारियों व वहां मौजूद कुछ ग्राहकों सहित 32 लोगों को उन्होंने बंधक बनाया। लुटेरे अपने साथ बैग लेकर आए थे। बैंक में उन्होंने 90,43,000 कैश सहित करीब 25 लाख रुपए के जेवरात लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी शांतनु कुमार व एएसपी विपिन शर्मा सहित पुलिस जाप्ता घटनास्थल पहुंचा और जानकारी जुटाई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए गए। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई गई। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद हरियाणा की तरफ भाग निकले। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी उमेश दत्ता भी भिवाड़ी पहुंचे और एसपी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस दौरान एसपी ने कहा, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या ये घटना हुई है, क्या आप बता? हाँ, सुबह 9:30 के आसपास ये बैंक जब खुला तो उस समय करीबन 6 जने आए यहाँ पर और इनको मैनेजर को इनको हथियार दिखाया और इनको स्टाफ को और मैनेजर को स्ट्रांग रूम के बगल में बंद करके और यहाँ से कैश और लॉकर का जो सामान होता है वो लेके गए हैं। तो बड़ी घटना है और 3 मोटरसाइकिलें आइडेंटिफाई हुई हैं। हमारी टीम पीछा भी कर रही है, रास्ता भी पता पड़ा है उनका, लेकिन वो घंटे डेढ़ घंटे आगे चल रहे हैं अभी। तो हम आगे थे, आते जैसे मौका मिला, पता पड़ा जैसे ही, तो हम यहाँ आ गए थे और बड़ी घटना है, उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं और डेफिनेटली हम सफलता पाएंगे। बिल्कुल, सिक्योरिटी के लिहाज से बात कर रहे हैं तो शायद अभी ये जानकारी लग पाई हो कि कौन सी गैंग है कि इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। इस तरह की गैंग जो है पिछले 2-3 महीने से NCR में ऑपरेट कर रही है और इसके बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया भी लगा था, हम अलर्ट भी थे काफ़ी, लेकिन आज वो सिस्टम सेट होता उससे पहले उन्होंने वारदात कर दी। वरना हमारी QRTs और जो पुलिस की सिग्माएँ हैं वो आती हैं, बैंक को चेक भी करती हैं, सिक्योरिटी गार्ड से बात भी करती हैं, लेकिन उससे पहले ही ये वारदात हो गई 9:30 बजे। मेरे ख्याल से तो जो अभी तक ये एस्टिमेट लगाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 70 लाख से ऊपर का ये है अभी जो आइडिया है, रफली आइडिया, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि बहुत जल्दी इसमें कामयाबी मिल सकती है? कोशिश पूरी है और फॉर्चुनेटली हमें थोड़ा आइडिया भी है, तो टीम भी लगा रखी है, पीछे गई भी हैं, हाईवे पे भी हैं। बदमाशों द्वारा अपने साथ लाए गए 2 बैगों में 2,000 और 5,500 के नोटों की गड्डियों सहित गोल्ड लोन के 20 पैकेट उसमें भर लिए। दूसरे बैग में छोटे नोटों को भरा। जब वह भर गए तो बैंक कर्मचारियों के 2 बैग लेकर उसमें कैश भरा गया। इनमें एक बैग की चैन बंद नहीं होने के चलते बदमाश आपाधापी में उस बैग को वहीं छोड़कर भाग निकले। वहीं स्ट्रांग रूम में रखा करीब 1.5 करोड़ रुपए का कैश बदमाश नहीं ले जा पाए। यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हुई। पुलिस ने DVR अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके कुछ फोटो ही पुलिस ने अभी तक जारी किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बैंक में भारी कैश होने के बावजूद गार्ड के पास हथियार तक नहीं था। बदमाशों ने बैंक में घुसकर बेखौफ वारदात को अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाश बाइकों के जरिए नीलम चौक से आकेड़ा हरियाणा की तरफ भाग निकले। हरियाणा सीमा यहां से सिर्फ 2.5 किलोमीटर दूर है। बदमाशों ने फूलबाग थाने से मात्र 1400 मीटर की दूरी पर स्थित इस बैंक में वारदात को अंजाम दिया, जो पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं। एक्सिस बैंक पे आजकल रिको चौक भिवाड़ी के अंदर एक्सिस बैंक है, जहाँ एक डकैती की वारदात हुई है। संभवतः 5-6 आदमियों ने गन पॉइंट के ऊपर लूट की है। बैंक मैनेजर साहब से पूछताछ कर रहे हैं कितना अमाउंट वगैरह गया, इसके बारे में बैंक मैनेजर हमारे को देंगे। गन पॉइंट पे संभवतः मोटरसाइकिल पे लुटेरे डकैती करने वाले आए थे, जिनकी हम सरगर्मियों से तलाश करेंगे। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।